तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेकी कोडर। तो जब से मैंने एड्स और मोनेटाइजेशन अप्लाई करने की वीडियो डाली है, तब से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लगातार एक ही कमेंट डाला है कि भाई मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, भाई टॉपिक्स कहाँ से मिलेगा वीडियो के लिए। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने तो ये भी लिख दिया है कि कंटेंट तो है पर ट्रेंडिंग कंटेंट नहीं है। एक और बंदा जो पॉडकास्टिंग करता है, वह उन्होंने कमेंट किया कि भाई मेरे पास टाइम तो है पर कोई आइडिया ही नहीं आता वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस पर एक कंप्लीट वीडियो डाल देनी चाहिए। तो वीडियो के शुरू में मैं बता दूं कि मैं आपको कोई फालतू टिप्स नहीं दूंगा कि जैसे कि कोई बड़े यूट्यूबर की वीडियो के कमेंट्स चेक करो या लोगों से जाकर उनकी प्रॉब्लम पूछो और उस प्रॉब्लम पर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि यह ट्रिक 80% तक काम नहीं करती। बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ प्रैक्टिकली वो ऐप्स और वेबसाइट्स दूंगा और आपके सामने कि वीडियो के दौरान 25 से 30 ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी निकाल कर रख दूंगा। तो डिटेल में जाने से पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन क्रिएटर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप टेक के किसी सेक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, ये दूसरा पॉडकास्टिंग करते हैं, तीसरा लाइफस्टाइल कवर करते हैं, चौथा रिव्यूइंग और अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाते हैं, पांचवा स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करते हैं, या छठा स्टार्टअप्स पर आपका फोकस रहता है, तो वीडियो का हर एक सेकेंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ थॉट्स शेयर करना चाहूँगा जो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो आप में से काफ़ी लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि संडे टेक मसाला, जो कि एक वीकली टेक वीडियो सीरीज है टेक्निकल गुरुजी की, उसके लिए वह इतने ज़्यादा और ट्रेंडिंग कंटेंट कहाँ से लाते हैं। अगर आपने किसी भी टेक यूट्यूबर को फॉलो किया हो तो आपने देखा ही होगा कि वो हर एक से दो दिन में टेक टॉक्स की वीडियो लाते हैं। और इसके अलावा अगर आप पॉडकास्टिंग देखना भी पसंद करते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि वह रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसके लिए उनके पास काफ़ी बढ़िया कंटेंट होता है। अगर हम इन बातों को साइड में भी रख दें, फिर भी आपने कभी ना कभी यूट्यूब पर वह गाइड्स ज़रूर देखी होगी जिसमें आपको बेस्ट फोन्स अंडर 15,000, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 45,000, बेस्ट स्मार्ट टीवीज जैसे टॉपिक्स पर चर्चा की गई होगी। आपके मन में यह ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि बड़े यूट्यूबर्स को किसी फ़ोन या किसी और डिवाइस के बारे में कैसे पता चल जाता है उस फ़ोन या उस डिवाइस के लॉन्च होने के पहले ही। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाएं। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। हमारी आज की वीडियो लैपटॉप और फोन यूजर्स दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होने वाली है। तो मैं आपको आज सारी वेबसाइट्स लैपटॉप पर शो करूंगा, क्योंकि लैपटॉप पे सारी वेबसाइट्स बड़ी और अच्छी से विजिबल शो होती है। और फोन यूजर्स के लिए मैं आपको उन सारी वेबसाइट का अल्टरनेटिव एप्स भी दूंगा। तो आज हमारी लिस्ट की पहली वेबसाइट है गैजेट 360। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर NDTV 360 सर्च करना होगा। NDTV 360 सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पर गैजेट 360 का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो साइट पर क्लिक करने के बाद गैजेट 360 की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर होम, गाइड, न्यूज़, रिव्यूज़, फीचर्स, ओपिनियन से लेके डील्स तक बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो मैं आपको अब इस वेबसाइट्स को थोड़ा एक्सप्लोर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉप स्टोरीज मिल रही है। तो यहाँ पर ये एक मोबाइल की टॉप स्टोरीज है, तो मैं आपके लिए कोई स्टोरी पढ़ देता हूँ। जैसे इज वन प्लस 9R द बेस्ट फोन अंडर ₹40,000। तो ये आपकी एक पर्स वीडियो भी हो सकती है और आप इस टाइटल को अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स की डेप्थ स्टोरीज में मिलेगी।
और उसके बगल में आपको सारे फोन्स के प्राइजेस शो हो रहे होंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पर पॉपुलर कंटेंट शो हो रहे होंगे। तो इस वेबसाइट्स में आपको ज़्यादा टेक वीडियोस के कंटेंट्स मिलेंगे। तो उसके नीचे आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग गैजेट्स शो हो रहेंगे। तो मैं आपके लिए यहाँ पर जैसे मैंने अभी पढ़ा था OnePlus 9R, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो OnePlus 9R पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी OnePlus 9R फ़ोन की सारी फंक्शन शो होगी। तो यहाँ पर आपको OnePlus 9R की स्पेसिफिकेशन मिल रही है, जैसे इस फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है, इस फ़ोन की बैटरी कितने mAh की है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूज़ का ऑप्शन मिल रहा है। तो न्यूज़ का ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर इस फ़ोन के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है। उसके बाद इस रिव्यू के ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस फ़ोन के प्रोज और कॉन्स यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे इस वेबसाइट ने इस फ़ोन के डिज़ाइन को 10 में कितने पॉइंट्स दिए हैं, डिस्प्ले में कितने पॉइंट्स दिए हैं, वैल्यू फॉर मनी तक। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन मिल रहा है। तो प्राइस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इस फ़ोन के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट से। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहीं पर आपको यहाँ पर ये फ़ोन कितने रुपए का है, इस फ़ोन में कैसी बैटरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंपैरिजन का ऑप्शन मिल रहा है। ये ऑप्शन सबसे मेन है। इस कंपैरिजन के ऑप्शन में आप इस फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे OnePlus 9R को OnePlus 9 Pro से, OnePlus 9 से, OnePlus Nord से, iPhone 11 से, OnePlus 8T से, और आप काफ़ी सारे फ़ोन को किसी फ़ोन से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र रिव्यूज़ का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर किसी यूज़र ने इस वेबसाइट पर रिव्यू डाली होगी तो आप इस रिव्यू को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियोज़ का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर इस फ़ोन की एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, और इस वीडियो का आप यहाँ से कॉपी कर अपने YouTube में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप किसी फ़ोन के लिए रिलेटेड पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो आप किसी फ़ोन के की स्पेसिफिकेशन को कलेक्ट कर उस फ़ोन पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है न्यूज़, रिव्यूज़, फीचर्स। तो इन सब ऑप्शन में आपको बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, और उन सारे न्यूज़ के आपको रिव्यूज़ भी मिलेंगे। तो अगर मैं इस वेबसाइट्स को या किसी भी वेबसाइट को पूरी तरह एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब चलिए मैं आपको इस वेबसाइट के एक बहुत अच्छे फीचर के बारे में बता देता हूं। तो यहां पर एक कंपेयर का ऑप्शन है। तो इस वेबसाइट में आप कोई भी प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, TV, कैमराज। तो चलिए मैं आपको एक मोबाइल कंपेयर करके दिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको यहां पर मोबाइल के सेक्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर आपको कौन सा मोबाइल कंपेयर करना है वो सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे यहां पर मैं iPhone 11 सेलेक्ट कर देता हूं, और उसको मुझे कंपेयर करना है iPhone 11 Pro Max से, कि iPhone को iPhone 11 Pro Max को मैं कंपेयर करता हूं। तो उसके लिए आपको यहां पर कंपेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो कंपेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको इस दोनों फ़ोन के सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। तो आप इन दोनों फ़ोन के फंक्शन को कलेक्ट कर आप एक कंपेयर वीडियो भी बना सकते हैं। तो इस वेबसाइट को फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए इसका एक ऐप है। उसके लिए आपको इस वेबसाइट में जाना है, और उस वेबसाइट में जाने के बाद आपको नीचे लास्ट तक स्क्रॉल डाउन करना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड ऐप ऑन गूगल प्ले का ऑप्शन मिलेगा। आप उससे गूगल प्ले में जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे लिस्ट में ये एप्सी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप हिंदी में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बस हिंदी के बटन पर क्लिक कर इस वेबसाइट को आप हिंदी में एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर हिंदी के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये वेबसाइट हमारी अब हिंदी में लोड हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पर। तो लिस्ट की हमारी दूसरी वेबसाइट है GSM Arena। तो अब हम गूगल क्रोम पर GSM Arena सर्च कर लीजिए। तो GSM Arena सर्च करने के बाद
आपको ऊपर में सबसे पहली वेबसाइट GSM अरीना की मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ये GSM अरीना वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको टेक अनबॉक्सिंग और रिव्यूइंग से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगे। आपको इसमें कोई बाहर की कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो इस वेबसाइट का इंटरफेस खुलने के बाद आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारी टेक न्यूज़ की अपडेट मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है 1 आवर अगो की, आपको यहाँ पर एकदम लाइव अपडेट न्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर आप 5 आवर्स अगो, 3 आवर्स अगो, यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लेटेस्ट डिवाइस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव टेक न्यूज़ मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए कि ये टेक न्यूज़ 16 अप्रैल की है और आज है 18 अप्रैल। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी टेक न्यूज़ मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उसके बाद बहुत सारे फीचर आ जाएंगे, जैसे होम, न्यूज़, रिव्यूज़, वीडियो, फीचर्ड, फोन फाइंडर, डील्स, टूल्स, कवरेज, कंटैक्ट। आप इन सारे फीचर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वीडियो टैप के फीचर पर क्लिक कर देता हूँ। तो वीडियो टैप के फीचर पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा। तो वीडियो टैप में आपको यहाँ पर डिफरेंट फ़ोन के रिव्यूज़ मिलेंगे। तो इस वेबसाइट का इंटरफेस मुझे गैजेट की वेबसाइट से थोड़ा डाउनवर्ड या बोल सकते हैं थोड़ा कम अपडेटेड लगा। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको बता देता हूँ इसे आप फ़ोन में कैसे डाउनलोड करें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर सर्च कर लेता हूँ। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है GSM अरीना। तो GSM अरीना सर्च करने के बाद आपको यहाँ ऊपर सबसे पहली ऐप इसी के मिलेगी, आप उससे जाके यहाँ से इंस्टॉल कर लें। तो आपको आपके फ़ोन में इस वेबसाइट का फीचर कुछ ज़्यादा अपडेटेड मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड वेबसाइट की तरफ। तो लिस्ट की हमारी तीसरी वेबसाइट है इंडिया टुडे। तो बस आपको यहाँ पर इंडिया टुडे सर्च कर देना है। इंडिया टुडे सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर इंडिया टुडे की वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो वेबसाइट लोड होने के बाद आप लोग कहेंगे कि ये तो एक न्यूज़ की वेबसाइट है, पर मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट लाइफस्टाइल, ट्रेंडिंग न्यूज़, स्पोर्ट्स, टेक और एडुकेशन के सारे न्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी टॉपिक सिलेक्ट कर देना है। तो मैं आपको टेक सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो टेक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक के टॉप स्टोरीज और सारी टेक न्यूज़ मिल जाएगी। तो मैं आपको एक और सेक्शन जैसे लाइफस्टाइल सेक्शन सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो लाइफस्टाइल सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में इंटरटेनमेंट, उसके नीचे फैशन, सेलिब्रिटी, ट्रैवल से रिलेटेड न्यूज़ मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथी वेबसाइट की तरफ। तो हमारी फोर्थ वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम टाइम्स ऑफ इंडिया सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट मिलेगी। तो इस वेबसाइट में आप अधिकतर सारे सेक्शन से न्यूज़ कवर कर सकते हैं, जैसे बिजनेस न्यूज़, टेक न्यूज़, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट, स्टार्टअप, लाइफस्टाइल, अनबॉक्सिंग, मूवी रिव्यू और बहुत सारे सेक्शन के आप टेक न्यूज़ कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग ने सारे सेक्शन के भी 22 सेक्शन बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप लाइफस्टाइल में 4 सेक्शन हैं, इंटरटेनमेंट के सेक्शन, न्यूज़ होम में आपका है पॉडकास्ट का सेक्शन, टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर कुछ 5 से 6 सेक्शन है, स्पोर्ट्स का सेक्शन, एडुकेशन सेक्शन और यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पॉडकास्ट का सेक्शन दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पॉडकास्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप शोज, यहाँ पर आपको सारी पॉडकास्ट न्यूज़ यहाँ पर शो हो रहेगी।
तो यहाँ पर आप बहुत सारे सेक्शन के ये न्यूज कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ वेबसाइट और इस वीडियो की आखिरी वेबसाइट पर। तो हमारी लिस्ट की पांचवी और इस वीडियो की आखिरी वेबसाइट है गूगल ट्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स सर्च कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर गूगल ट्रेंड की वेबसाइट मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको बस यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्चेज मिलेंगे कि कौन सा ट्रेंडिंग सर्चेज सबसे ज़्यादा क्लिक किया गया है। तो ये वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है। तो हम लोग अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ये वेबसाइट फिर से थोड़ी लोड लेगी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर रिसेंटली ट्रेंडिंग सर्चेस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप मोर ट्रेंडिंग सर्चेस पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेगी। तो फिर यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डेली सर्च ट्रेंड्स मिलेंगे। यहाँ पर 10 आवर्स अगो में डैनियल सैम्स को सर्च किया गया है, तो इस पर आप एक रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 आवर्स अगो MI वर्सेस SRH का मैच था, तो उस पर आप एक रिलेटेड ट्रेंडिंग वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। तो कौन सी सर्च अभी यहाँ पर ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसकी आपको सारी न्यूज़ यहाँ मिलेगी। तो इस वेबसाइट से आप टेक न्यूज़ की जगह ट्रेंडिंग सर्चेस फाइंड कर सकते हैं और अपनी वीडियो को एनहांस कर सकते हैं और अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स या टॉपिक्स की कभी कभी नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको 30 से 35 ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर कर दूंगा, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लास्ट तक देखा होगा तो मैंने 30 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो इस वीडियो में कवर कर ही दिए होंगे। तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा का ऑप्शन है उसे दबा के ऑल पर सेट कर दें। तो मिलते हैं अगली एक नई टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।